ओके तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 26th of June, डे 4, और अभी हम लोग निकल चुके हैं नाको से। नाको के लिए वो रास्ता जाता है। अभी जाएंगे काजा, ताबो होते हुए काजा, और काजा में हमारा स्टे होगा। रास्ते में टाबो मोनेस्ट्री वगैरह आएगी, सब वो देखते हुए चलेंगे। टोटल जर्नी है 90 किलोमीटर के अराउंड। ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है, तो होपफुली जल्दी रुकेंगे नहीं हम कहीं। पेट्रोल अभी सफिशेंट है बाइक में, तो अभी मेरे ख्याल से जो अगला पेट्रोल पंप है वो काजा में मिलेगा, और वो लास्ट पेट्रोल पंप है, वहीं पर टैंक फुल करवाएंगे हम। उधर से जब आप आते हो नाको की तरफ से, वहाँ पे एक पीछे चेक पॉइंट था, वहाँ पे शूट नहीं कर सकते। चेक पॉइंट से आगे एक रोड नीचे की तरफ जाती है, जो आपको इधर वापस ऊपर लेके जाएगी, ये काजा की तरफ। और ये जो गेट आएगा, ये आएगा ग्यू विलेज का। इस पुल को पार करके लेफ्ट हो जाना आपने, ताकि आप ग्यू मोनेस्ट्री जा सको। ग्यू मोनेस्ट्री में 500+ साल की पुरानी एक मम्मी पड़ी हुई है, स्पीति मम्मी के नाम से कहते हैं, पता नहीं क्या। वो हम लोग उसी मोनेस्ट्री में जाने लगे हैं, और आपको वहाँ जाके मम्मी दिखाता हूँ। अभी आपको मेरी सांस फूली हुई लगी रही होगी, क्योंकि जब जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हमारी सांस फूल रही है, कि अगर हम ज़्यादा भी बोलें, ज़्यादा चलें, तो उससे फ़र्क पड़ता है। ये ग्यू विलेज की रोड है, जिसके बीच में जाके हम, इधर मेरे लेफ्ट साइड में है मोनेस्ट्री, शायद अगले टर्न में आपको दिख जाए, थोड़ा ऊपर करके बनी हुई। तो ये है ग्यू मोनेस्ट्री, जो ग्यू विलेज में है। अभी इसके अंदर जाएंगे। तो एक गलती लग गई थी, हमें लगा था कि इस वाली मोनेस्ट्री में जो नई बन रही है, यहाँ पर है मम्मी, पर मम्मी एक्चुअली इस वाले में है। मोनेस्ट्री के जस्ट साथ में एक रूम है, उसके अंदर है। तो अभी इसके अंदर जाके देखेंगे। तो ये है वो मम्मी, जो 500 साल से ज़्यादा पुरानी है। इनको कह रहे हैं कि बाहर कोई बंदे बता रहे थे कि किसी खुदाई में मिले थे। आप देख सकते हो अभी तक इनके दांत है, स्किन है, और हल्के हल्के बाल भी इनके। तो कह रहे हैं कि इनके नाखून बाल खुद ब खुद बढ़ते रहते थे। अभी तो शायद बंद हो चुका है, पहले इनके बढ़ते थे। ये जैसे समाधि में थे वैसे के वैसे इनका मम्मी में ये बदल गए। ये मतलब कि जो आपने अभी देखा मम्मी, ये मतलब कि एक तपस्वी थे, और ये 1982 में मिला हुआ था। यहाँ पे जो फौजी हैं गांव के अंदर ITBP, तो उनको अपने जो मोर्चा खोदे तब, तो मोर्चा खुदाई के वक्त मिला हुआ था। उसके बाद 1975 में मतलब जो यहाँ पे भूकंप आया था, उसी भूकंप में यहाँ गांव के अंदर 6 एकड़ स्तूपा बने हुए थे। वो स्तूपा मतलब कि उसी भूकंप में डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद उस भूकंप के नीचे से मतलब कि इसके मतलब उत्पत्ति हुआ। उसके बाद 2002 में यहाँ पे मतलब साइंटिस्ट भी आए थे अमेरिका से, तो उन्होंने मतलब इनके ऊपर पूरा रिसर्च किया हुआ, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बना हुआ, जो यूट्यूब पर मतलब कि द मिस्ट्री ऑफ तिब्बतन मम्मी के नाम से हुआ। तो उसी के मतलब कि क्या उसमें पूरा मतलब सही ढंग से बताया हुआ कि कैसे इन्होंने अपने आप को सफोकेट किया, और मतलब पूरा इनके जो तपस्या का पोस्चर है, वो जापान में मतलब कि ऐसे जो मम्मीज़ हैं कई मतलब कि
मिल सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे पोस्चर में मतलब ये तब किया जाता था बहुत। तो ये जो ग्यू मोनेस्ट्री है इसके सामने बिल्कुल एक कैंटीन है, वहाँ पे शिमेद नाम के हैं, उन्होंने इसकी हिस्ट्री जितनी पता थी उसके बारे में बताया हमें। तो बाकी मोनेस्ट्री यही है, मम्मी यही तक थी, बाकी आगे इसके हम लोग जाएंगे काजा। ताबो अभी पहुंच गए हैं, तो अभी मोनेस्ट्री बंद है और ये पीछे ताबो की पुरानी मोनेस्ट्री है वो देख लेते हैं जो मड के साथ बनी हुई है। तो ये है ताबो मोनेस्ट्री, ओल्ड मोनेस्ट्री, वो जो है वो 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, इसके अंदर पेंटिंग से हमें फोटोग्राफी करनी अलाउड नहीं है। और ये जो सामने है यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं, ये 1 या 22 साल पुराना मंदिर है। तो ताबो से निकल चुके हैं हम अभी, अबे सीधा जाएंगे हम लोग काजा। तो फाइनली हम लोग काजा सिटी में एंटर कर चुके हैं, बोरी काजा, काजा पूरा शहर। तो हम लोग काजा में है, अब होटल वगैरह देखते हैं। तो अभी काजा में हमने रूम ले लिया हुआ है और आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। रास्ते में आपको ग्यू और ताबो मोनेस्ट्री दिखा दी गई थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।